छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टियाँ ले लूँ। भाई बहुत काम हो गया, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। क्यों मामा, आपकी तबीयत तो सही है ना, आप छुट्टियाँ क्यों ले रही हैं? अरे क्या हो गया हनी, हर काम करने वाले का हक है कि साल में उसे चंद छुट्टियाँ मिले। अच्छा, इस तरह तो मैंने 24 साल बगैर छुट्टी के काम किया है, तो कम अज कम 6 महीने तो मेरे आराम के बनते हैं ना है? अच्छा तो 6 महीने हम क्या भूखे मरेंगे? नहीं चलो 6 महीने नहीं 1 महीने ही छुट्टी दे दे बेगम। वैसे मामा पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इनको 1 महीने की छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना। क्या कह रही हो हनी, ससुर जी को तो सब कुछ पकाना आता है, मुझे तो थोड़ी सी डिशेज आती है, खाना कौन पकाएगा? अरे तो उन सबके लिए हम खानसामा रख लेंगे ना। क्या हो गया है तुम लोगों को, ये कैसी बातें कर रहे हो, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिल रही किसी को। मामा आप मेरी बात भी नहीं मान रही ना। सही है, चलो भाई ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, आपको खाना पकाने की छुट्टी मिल गई पूरे 2 दिन की। 2 दिन बेगम, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे मानना है तो माने, नहीं तो उठे, फौरन उठे और जाए, लग जाए किचन में काम पर। और हाँ, ये छुट्टी आपकी शुरू होगी खानसामा के आने के बाद। 6 महीने की छुट्टी चाहिए इन्हें। वाह वाह वाह, मैं भी जा रही हूँ। अरे ससुर जी आप फिक्र ना करें, मैं आपकी जगह इस घर में एक जबरदस्त खानसामा लेकर आऊंगा। लड्डू मेरे प्यारे लड्डू, यार खानसामा लेके आना तो बड़ा जबरदस्त लेके आना यार। यार देख 2 दिन मुझे उसी के हाथ का खाना खाना पड़ेगा ना। लाए इसी खुशी में, दे 10,000 रुपए। क्या हो गया यार, 10,000 तो हमने इतने सालों में नहीं लिया अब तक। अच्छा तो खानसामा कोई मेरे मामू का बेटा थोड़ी है, मुफ्त में आएगा। तो 10,000 कहाँ से दूंगा, हमें मिले 10,000 अब तक। हम घर दामाद हैं, वो खानसामा बनकर आ रहा है। अरे ये जाफर पान वाला कहाँ रह गया? अरे किधर बुलवा लिया है, इतना बोरस में क्यों बुलवा लिया है तुम? अरे यार मैंने तुम्हें फोन पे सब कुछ बताया तो था। अगर हम तुम्हारा काम करेगा तो हमारा पान का खोखा तो बंद रहेगा, वो नुकसान कौन भरेगा? अगर एक दिन बंद करेगा तो 1 आंकड़ा हटा के 1,000 का नुकसान होगा, दूसरे दिन बंद करेगा तो दूसरा आंकड़ा हटा के 2,000 का नुकसान होगा। अरे तुम्हारा आंकड़ा बाकड़ा जो भी उसको छोड़ो ना, मैं तुम्हें पूरे पूरे 5,000 रुपए दूंगा। 5,000? तुम जो बोलेगा हम वो करेगा। अरे तुम बताओ तो सही कि करना क्या है। अरे बस तुमको मेरे घर तक चलना है और वहाँ जाके मम्मी जी को बताना है कि तुम हो खानसामा और खाने बना बना के उनको खिलाने हैं, बस। अरे परवाह नहीं करो, हम करेगा, ये जोफर का जबान है। अरे जोफर बोला है, जोफर। चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, एक दो काम करके निकल रहा हूँ बस। हाँ फौरन निकल रहा हूँ, इंतजार करो मेरा। हाँ नहीं तो फिर साथ जाएंगे मिलके पिकनिक पे। याकू, और बारिश भी हो रही है, कैसी जबरदस्त, मजा आ जाएगा। गुलाम खुदा हाफिज। किससे बातें हो रही थी? वाह वाह फूफा से, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं पिकनिक पे जाने के लिए। क्या क्या कहा, मुझसे इजाजत ली? बेगम मैं छुट्टी पे हूँ, मेरी मर्जी में जहाँ भी जाऊँ। अरे वो तो छुट्टी हुआ तो क्या हुआ है, इस घर से तो छुट्टी नहीं हुई आपकी। बेगम अगर घर में ही रहना था तो फिर छुट्टी लेने का फायदा क्या हो? अच्छा अच्छा चले जाइएगा, मगर अभी चुपचाप बैठे रहें, जब तक खानसामा नहीं मिल जाता आप कहीं नहीं जा सकते। बेगम बस कह दिया मैंने। अबे क्या हुआ, खानसामा मिला कि नहीं मिला? ओफो लड्डू, कब आएगा भाई खानसामा? अरे मम्मी जी बस आता ही होगा। हाँ यार जल्दी लेके आओ यार, मुझे निकलना है। हैं? आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको निकलना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज। हैं? अरे अरे दरा यहाँ बैठ। अरे मम्मी जी यह है हमारा नया खानसामा। हमारा नाम जुफर है। अच्छा, तो तुमने अपना नाम जफर बताया ना। हमारा नाम
जफर नहीं है, हमारा नाम जफर है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जफर जफर। ससुर जी, इसका नाम जाफर है। अच्छा, लेकिन वो तो जफर बता रहा है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा भाई, नाम को छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या क्या बना लेते हो। अरे डबल पत्ती, सिंगल पत्ती, राजस्थानी, सौ खुशबू। अरे क्या कर रहे, सब कुछ बोल देगा क्या? है क्या 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 डबल पत्ती? मम्मी जी, इसका मतलब है कि डबल पत्ती की स्ट्रॉन्ग चाय बना सकता है। हाँ, और वो राजा जानी, वो क्या? राजा जानी नहीं ससुर जी, राजा महाराजा के जमाने की बिरयानी। हाँ। अच्छा, वो सौंफ खुशबू की भी आवाज आई थी, वो क्या? अच्छा, तू भी कुछ बोलना। अभी अभी हमको याद आया है कि हम सौंफ वगैरह डाल के, गरम मसाला वगैरह डाल के बहुत मजे का खाना बना लेते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा भाई, चले बेगम, आपको माशाल्लाह खान सामा मिल गया, अब मैं निकलता हूँ पिकनिक पे। अरे अभी आप बैठे रहे, पहले एक दफा उसको खाना बना तो लेने दे, हम चेक तो कर ले, फिर जाइएगा। चलो ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या ससुर जी, राधा नाचेगी? मुझे भी उसका डांस देखना। मम्मी जी, मुझे भी छुट्टी दे देना, मैं भी ससुर जी के साथ जाऊंगा। अरे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे डांस देखने। अरे तुम सब पागल तो नहीं हो गए? चुप करके बैठो। अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मदारी का जमहूरा तैयार होकर ससुराल जा रहे हैं। बेगम, ये आप मेरे हुस्न को इतनी नजर क्यों लगाते? हाय हाय, अल्लाह ना करे है। अरे भाई, मैंने तो आपसे शादी इसीलिए की थी कि एक नजर बट्टू को साथ रखूं, ताकि मुझे नजर ना लगे, और वैसे भी किसी अंधे की नजर लग सकती है आपको। बेगम एक बात बताएं, आप ये अल्फाज आपके दिमाग में कोई डालता है या आप दिल से मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? अल्लाह ना करे जो मैं आपके बारे में सोचूं। अरे मेरे मरहूम अब्बा हुजूर कहा करते थे कि बेटा हमेशा अच्छा सोचना। मुझे ये बताएं, जा कहाँ रहे हैं इतना तैयार होके? बेगम वो अपने रिश्तेदारों के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ। पूरा कहिए ना, पूरा कहिए कि जब तक खानसामा खाना नहीं बना लेता तब तक यही हूँ। नहीं नहीं, खाना तो बन ही जाएगा बेगम, मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, ये खानसामा बड़ा मजहबा खानसामा है, मजहबा। और अगर अच्छा ना बनाया तो फिर पता है क्या होगा? रात के सारे गंदे बर्तन भी आप ही धोएंगे और कहीं जाएंगे भी नहीं। सुन लिया आपने? बस बस, जाइए मेरे लिए कप चाय बना के लाइए। बेगम अभी चाय पिकनिक चाहिए गुलाब। बारिश हो रही है, पिकनिक पे जाऊंगा। अरे बेगम सोबा लड्डू, बेगम सोबा लड्डू जी। क्या हुआ? ये पूछना सारा था कि खाने में क्या बनेगा। अरे भाई कुछ भी बना लो। कुछ भी कैसे बनाता है, वो हमको नहीं आता। अरे मम्मी जी के कहने का मतलब है, जो तुम आसानी से बना सकते हो वो बना लो, हम खा लेंगे। अरे जो हम बना सकता है ना, वो खाकर आप लोग को चौकोर आ जाएगा। क्या, वो क्यों? मम्मी जी इसका कहने का मतलब है कि ये इतना शानदार खाना बनाएगा कि हम मजे से चक्कर खा के गिर जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, वही वही जो अभी लड्डू बोला। तुम यहाँ से किचन में चलो, मैं आके बताता हूँ क्या पकाना है। बात सुनो, चाइनीज बना लो आज। अरे क्या बोल रहा है, बोलिए आप बंगाली से बोल रहा है कि चाइनीज बना लो? अरे सारा गोड़पुर हो जाएगा। अरे लड्डू, तुम तो कह रहे थे इसको सब कुछ बनाना आता है। अरे नहीं नहीं, वो तो हम अपने खोके पे बनाता था। खोके पे? मम्मी जी इसका कहने का मतलब है, ये दुबई में 20 साल तक खोका फूड्स के नाम से रेस्टोरेंट चलाता रहा है। अच्छा छोड़ो भाई, खुदा के लिए कुछ भी बना लो, हमें बहुत भूख लग रही है, खाने का इंतजार कर रहे हैं हम। देखो बोजी, हमारा मर्जी का खाना बनाने के लिए शॉपिंग करना पड़ेगा ना, उसके लिए पैसे वैसे का जरूरत पड़ता है। ओफो लड्डू, जाओ मेरी अलमारी में से निकाल के इसको पैसे दो, ताकि कुछ चीजें ले आएगी। तुम जाओ किचन में, मैं आ रहा हूँ पैसे लेके। ठीक है, हम जो रहे हैं खुदा हाफिज। क्या मुसीबत रख ली है ये तुमने, ये खान सामा है? जी 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 मम्मी जी। दो इसको पैसे।
जाफर भाई सालन ले आइए। हाँ 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 फूफा। नहीं नहीं फूफा बस आ रहा हूँ, निकल लो पर थोड़ी देर लगेगी फूफा। हाँ यार नहीं नहीं फूफा मेरा इंतजार करना। हाँ हाँ नहीं तो हाँ 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 अच्छा फूफा वहाँ बारिश हो रही है। अरे वाह मजा आ जाएगा, पिकनिक का मजा आ जाएगा फूफा। अरे वाह बेगम तो अब मैं जाऊँ, अब तो खाना ही बन गया है ना। अभी तक खाना खाया नहीं है हमने, खाना खा के देख लें फिर चले जाइएगा। बेगम अब खाना हजम करने की शर्त ना लगा दीजिएगा आप। क्या क्या कहा? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अरे आगे है, अरे गुरम गुरम कड़ाही आगे है, गरम गुरम कड़ाही। अरे ससुर जी आप भी खाए ना। नहीं नहीं मैं पिकनिक पे खाऊंगा, बारिश हो रही होगी, खाना मजा आ जाएगा। रोटी देना। ये लीजिए मम्मी जी। तौबा तौबा ये इतना मीठा खाना। मीठा जफर भाई क्या स्वीट डिश आपने पहले ही खिला दी? अरे कैसे बोध कर रहा है, इतना मेहनत से तैयार किया है। अरे हमने इसमें गुलकंद डाला है। क्या गुलकंद? अरे रखो ये रोटी वहां पे। अगर आप बोलो तो इसमें सौंफ खुशबू डाल के ले आए। हटाओ इसको, ये लेके जाए। तुम लोग को तो समझ नहीं आता है, खाने जानते नहीं है। मम्मी जी आप ना ये खाएं, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। बस बस रहने दो, अब मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। गुलाम जाइए फौरन जाइए किचन में और जाकर खाना बनाएं हमारे लिए। बेगम मैं पिकनिक बारिश। अरे ऐसी तैसी में गई, भाड़ में गई आपकी पिकनिक, उठिए जाइए। यार मेरी पिकनिक बेगम बारिश पिकनिक। मम्मी जी ये आप खाएं, ये मैंने बनाया अपने हाथों से, ये खा लें आप, ये ले। अरे मेरा मूड खराब हो गया, मैं नहीं खा सकती कुछ भी। यार मुझे तो बता दिया होता ना यार कि ये खान सामान नहीं है, पान वाला है। कमाल करते ससुर जी, कैसे बता देते आपको, आप मम्मी जी के साथ बैठे हुए थे। तो यार बाद में बता देना चाहिए था यार, मेरी पिकनिक का क्या होगा लड्डू, पिकनिक का। अब आपका पिकनिक पे जाने का एक ही हल है, आप इसको खाना पकाना सिखा दें। हाँ। उसके बाद चले जाए। हाँ ये बात। अबे भाई खाना पकाने और सिखाने में तो दो दिन जो छुट्टियां मुझे मिली है वो जाया हो जाएंगी यार, मेरी पिकनिक यार। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहा है गुलाम भाई? गुलाम नहीं गुलाम। अरे गुलाम भाई, अरे तुम नाम का पंचायत में क्यों पड़ रहा है? अरे अभी हम सबको खाना खिलाता है, मजेदार से खाना बना के, क्यों टेंशन ले रहा है? मौसली खिलाएगा मौसली। ओ भाई एक सालन तो ठीक से बना नहीं है, मौसली क्या मेरा मतलब है कि मछली क्या खाक बनाएगा, पिकनिक का क्या फिर टेंशन ले रहा है? हम भूल दिया है कि आधा काम हम पहले ही कर दिया है। देखा 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 कितना होशियार है। आधा काम? अरे हमारे मतलब यह है कि हम मौसली को कथा सुनने लगा के रख दिया है, अभी तल के सबको खिलाएगा, सबको बड़ा मजा आ जाएगा। कथा सुना मछली पे? अबे क्या कह रहा है भाई तू? अबे यार लड्डू यार मेरी पिकनिक, मैंने कितना सोचा था, बारिश हो रही है आज पिकनिक पे जाऊंगा सबके साथ और खूब नहाऊंगा खूब नहाऊंगा खूब, जब तक बारिश बंद ना हो जाए यार। खामोश, बारिश का नाम नहीं लगा, नहीं लगा बारिश का नाम। अरे बांग्लादेश में इतना बारिश होता है कि सैलाब हो जाता है, हम उसी में तो बह के आया था। हाँ सैलाब में बह के? लड्डू ये तूने मेरे साथ किया है बहुत बुरा, मैं बता रहा हूँ तूने मेरे साथ। समझ क्यों नहीं रहा मेरा भाई, उनको पिकनिक पे जाने, तुझे खाना खान सामा है। ये गुलम पागल आदमी है, हम समझ गया है, हम तुम्हारा खातर इधर कम कर रहा है। और खाने के अंदर गुलकंद कौन डालता है? मैडम आप जब ऑफिस में नहीं होती ना दिल नहीं लगता। अरे दो चार दिन की तो बात है और फिर छुट्टी करना मेरा भी तो हक है ना भाई, काम कर करके थक गई हूँ। मैडम वैसे आपका घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि चाय पियोगी या ठंडा? मैडम चाय मंगवा लें। ठीक है जाफर। जी बाजी जी बाजी। ऐसा करो कि मेहमानों के लिए दो कप चाय ले आओ। ठीक है। और सुनो मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय मेरे लिए भी ले आओ।
पत्ती जरा तेज डालना। अरे ये अपने काम का बदबूला है ना, आप फिक्र ही नहीं करो, ऐसा सोय बनाएगा कि आप जिंदगी भर याद रखेगा। अभी लोग आ रहा है, गर्म गर्म है, बिल्कुल गर्म है ऐसा। अरे गर्म गर्म सोय है, आप पिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा। तेज पत्ती का सोय है, आप लोग जरूर पीजिए। चलो ठीक है ठीक है। मैडम ये आपसे एक दो फाइल्स भी साइन करवानी थी। मैं साइन करके भिजवा दूंगी, तुम लोग चाय पियो। गुलाम, अरे जल्दी आओ, अरे मेरा तो सर चकरा रहा है। ओ भाई, अबे ओ भाई, ओ क्या बात है? अबे वो क्या कर दिया तूने, क्या चाय बनाई यार? क्या हुआ, फिर कुछ हो गया है क्या? अबे कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया है? हमको तो खुद बुला, हमको बुला बेगम सुबह के पत्ती ज्यादा डालने का है। तो तूने पान में डालने वाली तंबाकू की पत्ती डाल दी। अरे हद होती है यार, कुछ अकल को हाथ मार। अबे ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा। इसको खाना पकाना मैं तो क्या, मैं किसी का बाप भी नहीं सिखा सकता यार। मेरी पिकनिक का क्या होगा यार, बारिश भी बंद हो जाएगी यार। वो पिकनिक ही पड़ी है वहां, वो तीनों पड़ी हैं। चले चल के उठाएं। चलो अरे चलो चलो इधर से। हाँ हाँ ऐसा, अभी तो हम नया खाना बना रहा है, बिरयानी में गुलकुन डोल रहा है। तो भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लगता है चाय में कुछ मिला हुआ था। नहीं नहीं मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे दिखा रहे थे, आजकल दूध में ऐसा वायरस आ रहा है जिसे पी के ना इंसान चक्कर खा के बेहोश होके जमीन पर गिर जाता है डूब करके। अच्छा, हाय ला, मुझे तो मेरी हनी बहुत याद आ रही है, काश इस वक्त वो मेरे पास होती। मम्मी जी वो तो इस्लामाबाद तक गई है, आप तो ऐसे कह रही है जैसे वो अमरीका गई हो। यार शर्म करो लड्डू यार, तुम्हारी मम्मी जी की जान पे बनी हुई और तुम मजाक कर रहे हो यार। अरे बस बस रहने दे, ऐसी कोई मुर्दा नहीं हो गई हूँ मैं, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लड्डू जाओ किचन में, देखो खाने का क्या इंतजाम है, जाओ। गुलाम जी आप खुद किचन में जाइए और जाकर देखिए कि खाना तैयार हुआ या नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करें कि जाए और जाकर खुद खाना बनाए। वो तो खान सामा ने बना लिया होगा, मैंने समझा दिया था उसे। हाँ मम्मी जी वो किचन में गर्म गर्म मछली बन, मेरा मतलब मछली बना रहे हैं मम्मी सबके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लड्डू आओ जरा किचन में इंतजाम देखते हैं खाने का, मुझे पिकनिक में भी जाना है यार। हद हो गई है वैसे, अरे मेरी इतनी तबीयत खराब है और आपको पिकनिक की पड़ी है। मुझे तो लगता है आपका पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। लड्डू आओ चलो सिर्फ खाने का इंतजाम देखते जी, चलो। अबे मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे पिकनिक पे जाना है जाना है जाना है। अबे इतने दिनों के बाद मुझे दो दिन की छुट्टी मिली थी, इस खान सामा की वजह से वो छुट्टी बर्बाद हो गई मेरी यार। अरे कैसा बोल कर रहा है, हमारा वजह से कुछ नहीं हुआ है। अरे इसका कुछ जो भी हो रहा है ये इस लड्डू गुलाब जामुन की वजह से हुआ है। मेरा नाम सिर्फ लड्डू है हाँ, और मेरी वजह से क्या हुआ है? हम इसको भूल भी रहा था, हम इसको समझाया, ये काम हम नहीं कर सकता, ये बोला कि तुम सूप, हम बोला हम सूप, ये मन नहीं रहता, हम बोला रहे हम पोन वाला है, मगर हमको जबरदस्ती इधर लेके आया है। अरे ससुर जी मैं भी तो आप ही के बारे में सोच रहा था ना, कि जितनी जल्दी खान सामा साहब घर पर आएंगे उतनी जल्दी आप अपनी छुट्टियों पर जाएंगे। क्या हुआ
क्या हुआ मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ हूँ, देख लो बावर्ची खाने में ही बैठा हुआ, अब तक पिकनिक पिकनिक मेरी गई। अच्छा, आप गुस्सा नहीं करे, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। नहीं चलते भाई, कोई आइडिया नहीं चाहिए मुझे। अरे सुन तो लेना, सुने इधर तुम इधर आओ। आ गई समझ आई? एक बहुत तुम लोगों को बताना चाहता है, अगर ये आइडिया खराब करवाना है तो हमसे करवा लो। देख लो, सुन लिया इसने भी, अब समझ लो ये आइडिया खराब हो गया। अरे मैं क्या करूं। अरे कैसे लग रहा है खाना आपको? बहुत लजीज है। वाह भाई जाफर, तुम तो बहुत अच्छे कुक हो। अरे ये तो सब लोडू भाई का आइडिया था। आइडिया क्या मतलब? हमारा मतलब है कि लड्डू भाई हमें घर में लेके आया है ना, मतलब ये था हमारा। अच्छा, आप ये खाना खाओ मैडम, हम आपके लिए एक गिलास ठोंडा लेकर आता है। मम्मी जी बहुत अच्छी, ये लें और खाएं ना, बहुत मजे की लड्डू। गायब पान वाला। अरे अरे कौन हो भाई तुम, और हमारे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो? ओ भाई कौन हो, कहां घुसे चले आ रहे हो? अंदर पान वाला कहां है वो? पान वाला? अरे भाई ये कोई मार्केट थोड़ी है, ये घर है, आप गलत जगह पर आ गए। ठीक कह रही है हमारी मम्मी जी। अरे मैंने खुद देखा उसको यहाँ आते हुए, पान वाला यहीं पर आया है, मेरे पैसे खाकर भागा है वो। अरे भाई आप हैं कौन और ये माजरा क्या है? मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, पहले पान वाले को बाहर निकालो, मेरे पैसे खाकर भागा है वो। एक मिनट, गुलाम गुलाम। जी बेगम। हाँ ये देखें, ये पान वाले लगते जरूर हैं, लेकिन ये मेरे शौहर हैं गुलाम। गुलाम आपने इनके कोई पैसे देने हैं? मैंने पैसे इनको? मैंने तो पहली दफा देखा इनको भाई। अब आप इनको गौर से देखें, आपने इनसे पैसे लेने हैं? नहीं। तो बस भाई एक यही फर्द है हमारे घर में जो पान वाले लगते हैं देखने में। अरे मैंने खुद देखा है उसको यहाँ आते हुए। अरे ठंडा ठंडा सोर तो ये है, बड़ा मेहनत करके बुनो के लेके आया है, अब पियोगा तो आपका दिल ठंडा हो जाएगा। ये पान वाला ये रहा। अरे क्या बोत कर रहा है, हम पान वाला नहीं है, हम खनसमा है। चुप कर झूठे। मैडम जी ये अभी मेरी पकवान की दुकान पर आया था और मछली फ्राई लेकर गया है, कह रहा था 5 मिनट में पैसे दे दूंगा, 1 घंटा हो गया पूरा। क्या ये मछली इसने नहीं बनाई क्या? मैडम जी ये सिर्फ पत्ती के पानी बना सकता है और कुछ भी नहीं, बाजार में ना इसका पान का खोका है। क्या तुमने हमें धोखा दिया, झूठ बोला हमसे? गुलाम फौरन पुलिस को बुलाएं, फोन करें आप जरा। छोड़े बेगम, छोड़े छोड़े। अरे बोजी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमको तो जैसे बोला वैसे हमने कर दिया। किसने कहा ये सब करने को? कुछ नहीं बोल सकता है हम सू। बताओ किसने कहा? ये सारा का सारा लड्डू भाई का आइडिया था। लड्डू 25 करोड़ आपके, 25 करोड़ मेरे। डॉलर भी तो बोल यार। हैं? अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे तो मरीख पे जाके तस्दीक कौन करेगा बता? वैसे मैं गुलेल से चिड़िया भी मार लेता हूँ, इसमें तो मिसाइल इस्तेमाल नहीं होते ना। वाह वाह। डरो नहीं, मैं जंगलियों का सरदार हूँ, ये मेरा बेटा जंगलू है। अबे ये तो उर्दू बोल रहा है बिल्कुल हमारी तरह। आपको कैसे लोग पसंद है? मुझे बिल्कुल आप जैसे जंगली लोग पसंद है। आपकी वाइफ नहीं है? मैं कब आ रहा हूँ? मैं तो कब से किसी ऐसे एडवेंचरस शख्स की तलाश में थी। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी तानी? क्या मतलब? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। गलगामा के गलगामा।